आज मैंने बनाया है गरम मसाला जो कि हर किसी चीज़ में यूज़ होगा। उसके लिए सबसे पहले मैंने एक बोल रखा है और उसमें डालेंगे काली मिर्च। क्वांटिटी सारी मैं आपको स्क्रीन पे दूंगी, कितनी क्वांटिटी से कितनी चीज़ें डालनी है। काली मिर्च डालने के बाद अब डालना है हमें इसमें लौंग, साथ में डालेंगे हम इसमें छोटी इलायची जो हरी वाली होती है, फिर डालना है हमें इसमें बड़ी इलायची, मोटी इलायची जो काली वाली होती है, साथ में डालेंगे हम इसमें दालचीनी और डालेंगे इसमें जावित्री। ये आप देख सकते हैं, जावित्री डालने के बाद अब डालेंगे इसमें हम ये स्टार के फूल, साथ में डालेंगे हम इसमें तेजपत्ता। तेजपत्ता मैंने इसको तोड़ के डाला है क्योंकि ये अच्छे से रोस्ट हो जाए और अच्छे से धूप में भी सिक जाए। अब डालेंगे हम इसमें, ये मैंने एक जायफल लिया है, इसको मैंने बीच से तोड़ दिया था, इसको भी डालेंगे और डालेंगे इसमें ये खड़ा धनिया। खड़ा धनिया डालने के बाद डालना है हमें इसमें ज़ीरा। अब डालेंगे हम इसमें ये सौंफ। सौंफ डालने के बाद अब हमें डालना है इसमें ये खसखस। अब डालना है हमें इसमें ये काला वाला ज़ीरा जिसको हम शाह ज़ीरा भी बोलते हैं। अब इसको हम धूप में 2-3 घंटे के लिए अच्छे से सेक लेंगे जिससे ये मसाले हमारे बहुत ही अच्छे से जो भी सीड़न है इसमें निकल जाए। उसके बाद अब हमें रखना है कढ़ाई, उसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल और तेल को हम बहुत ही अच्छे से गर्म करेंगे, इसमें धुआं आने लगे। अब जो हमने मसाले सुखा के रखे थे वो सारे हम कढ़ाई में डाल देंगे और इनको अच्छे से धीमी फ्लेम पे अच्छे से हम इनको मिक्स करेंगे और इनको हम रोस्ट कर लेंगे करीब 2-3 मिनट तक, जिससे इसकी जो भी सीड़न है वो सारी निकल जाए। इसको हम कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे जिससे कोई मसाले हमारे कम या कोई ज़्यादा ना पक जाए, परफेक्ट क्रिस्पी रखेंगे इसको अच्छे से चलाते हुए। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे, मसाला हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसको हम एक जार में ट्रांसफ़र करेंगे, इसका हम पाउडर बनाएंगे। इसको हम जार में थोड़ा थोड़ा करके सारा मसाला हम पीस लेंगे, इसको हम अच्छे से कवर करेंगे। अब इसका बढ़िया सा फाइन पाउडर बनाएंगे। अब एक बोल रखेंगे फिर से, उसमें रखेंगे ये चलनी जिससे हमें सीव के थ्रू पास करेंगे जिससे मसाला हमारा बिल्कुल बारीक बिल्कुल फाइन पाउडर मिले। इसको अब हम छान लेंगे, इस तरीके से मैंने छान लिया है, मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। इसको हम करीब 6 से 7 महीने तक इसको स्टोर करेंगे, तो हम इसको ग्लास के कंटेनर में, जो कांच का कंटेनर होता है उसमें हम इसको स्टोर करेंगे। इस तरीके से मैंने सारा इसमें डाल दिया है। बनके तैयार है हमारा घर पे बनने वाला गरम मसाला जो कि किसी भी सालन में, पुलाव में, बिरयानी में इस्तेमाल होगा।